आखिर किसानों की मांग क्या है? आपको बता दें, किसानों की 13 अहम मांगे हैं जिन पर दो दौर की बैठकें पहले ही हो चुकी हैं। सरकार साफ कर चुकी है कि किसान कल्याण के लिए हर स्तर पर कोशिशें की गई हैं। सरकार ने यह भी कहा कि जिन मांगों को लेकर आंदोलन हो रहा है उनका समाधान बातचीत के जरिए ही निकाला जाएगा। देखिए इस रिपोर्ट में। हंगामा, प्रदर्शन, नारेबाजी और आक्रोश के बीच समाधान की कोशिशें जारी हैं। किसान संगठन अपनी मांगों को लेकर सरकार पर दबाव बना रहे हैं और सरकार भी समस्या का हल निकालने के लिए तैयार है। पंजाब के किसान संगठनों ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। कुल 13 मांगे ऐसी हैं जिनका समाधान निकालने की मांग की जा रही है। किसानों की पहली मांग है MSP यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानूनी गारंटी देने की। इसके साथ ही स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने की मांग भी है। इसके अलावा 60 साल से ज्यादा उम्र के किसानों को पेंशन देने, 2013 का भूमि अधिग्रहण अधिनियम लागू करने, मुक्त व्यापार समझौते पर रोक लगाने की मांग भी किसान कर रहे हैं। 2020 में आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज मुकदमे हटाने की मांग को लेकर भी आंदोलन किया जा रहा है। साथ ही आंदोलन में मारे गए किसानों के परिजनों को मुआवजा देने, मिर्च, हल्दी, मसालों के लिए राष्ट्रीय आयोग बनाने और विद्युत संशोधन विधेयक 2020 रद्द करने की मांग की जा रही है। इसके अलावा लखीमपुर खीरी के पीड़ित किसानों को इंसाफ दिलाने, नकली बीज और खाद कंपनियों को लेकर कड़ा कानून बनाने की मांग भी किसान कर रहे हैं। साथ ही साल में कम से कम 200 दिन रोजगार की गारंटी देने और संविधान की 5वीं सूची लागू कर आदिवासियों की जमीन की लूट बंद करने की मांग भी किसान संगठन कर रहे हैं। हम इस मोर्चे का सुखद हल चाहते हैं। हमारा बैरिकेड तोड़ना अनक का सवाल नहीं है, हमारा दिल्ली जाना अनक का सवाल नहीं है, हमारा मांगों को मानना सवाल है। भैया मनवाने के मिशन पे है, हमारी मांगे मानी जाए। किसानों की मांग पूरी हो सके इसके लिए पहले भी दो दौर की बातचीत हो चुकी है। जानकारी के मुताबिक 10 मांगों पर सहमति बन चुकी है, लेकिन 3 मांगों पर पेच फंसा हुआ है। सरकार बातचीत के जरिए समाधान निकालने का भरोसा लगातार दे रही है। इसके लिए केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, पीयूष गोयल और नित्यानंद राय मोर्चा संभाले हुए हैं। अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग आज भी जो है वो हमारे अन्नदाताओं के कंधे पे बंदूक और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का संदूक लेकर के जो है वो उनको उनकी आत्मविश्वास को हाईजेक करने और बंधक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार और किसान दोनों ही बातचीत के जरिए समाधान की कोशिश में है। अब इंतजार उस घड़ी का किया जा रहा है जब किसी तरह बीच का रास्ता निकाला जाए और आंदोलन को खत्म किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।